युगल सरकार को और जगत गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए, और आज हम अपने दोनों गुरुओं को नमन करते हैं, डॉक्टर साहब और मैडम जी को। यहाँ आने के बाद बहुत सारे भ्रम हमारे दूर हो गए, बहुत सारी जानकारियाँ हमको नहीं थी, या हम तो योग करते हैं, 2 घंटे का योग करते हैं, उसमें टहलना योग दोनों होता है, लेकिन बहुत सारी गलतियां करते थे। तो डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को योग कराया, उसमें हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और मैडम ने, हम लोग तो अक्सर चर्चा करते थे या पढ़ते थे कि छिजल पाव पाव गगन समीरा, चौपाई तो पढ़ते लगे, उसके बारे में नहीं जानते थे इसका मतलब क्या है। आज आपने बिल्कुल एकदम हम लोगों का ज्ञान चक्षु खोल दिया कि हमारी शरीर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और इसका इलाज हमें कैसे करना चाहिए। दूसरी चीज़, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम लोगों की जानकारियाँ बहुत बहुत कम थी, मतलब नगण्य थी। मोस्टली हम लोग सुनते थे तो बड़ा उसको इग्नोर करते थे, अरे यही मिट्टी पानी यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हमने जब देखा, अनीमा लगाने की प्रक्रिया सीखी, हमने कुंजल प्रक्रिया, कुंजल तो मैं वोमिटिंग करने से बहुत डरता था, मैं तो उस दिन डॉक्टर साहब जबरदस्ती हमको खड़ा किए, मैं तो भाग रहा था छोड़ के, भैया मेरे बस का नहीं है। लेकिन वो करने के बाद इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, फिर उसके बाद हमारा जो स्पाइन बात हुआ और सारी चीज़ें हुई, और अभी जो नस्यम क्रिया कराई गई वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो करने के बाद बिल्कुल जैसे वो बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई। तो कुल मिला के निचोड़ यही है, और हम इसके साथ साथ डिवोशन देख रहे हैं अपने जगत गुरुत्तम सेवा की। यहाँ जितने भी स्टाफ हैं वो उनका डिवोशन देखने लायक है और इनसे सीखने लायक है। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम ये एक मिस करते हैं कि भाई हमको बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं प्रामिस करता हूँ कि मैं कम से कम हर 3 महीने में मैं ज़रूर शिविर करने कोशिश करूंगा, कितनी व्यस्तता होगी। और ये जो कुछ हमको बताया गया, सिखाया गया है, 100% तो शायद संभव नहीं है जैसी हम लोगों की लाइफ स्टाइल है, लेकिन मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा कि इसको मैं फॉलो करूं। और इसी के साथ पुनः मैं धन्यवाद देता हूं गुरुत्तम समिति को, डॉक्टर साहब को, मैडम को।